हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 8th ऑफ जनवरी 2023 को है, तो इस बीच जो भी आपके पास टाइम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो आज हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो भी आपके सीरीज चलेगी ये वाली, वो आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगी। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न होता है, और एल्स यू गेट अ ब्रीफ अबाउट कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक दोस एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कौन से हैं, सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो एक बार बीच में वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर कीजिएगा। वंस आई हैव फिनिश्ड राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई करना कि आप क्या आंसर कर रहे हो और करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है और जो करेक्ट आंसर है अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, नाउ दीज अभी जो क्वेश्चन है वो फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे बेस्ड ऑन कि आपका सेंटेंस या फिर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बताना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे, नाउ देर इज अ ब्लैंक दैट इज गिवन टू यू, होम। अगर आपने एडवर्ब वाला जो वीडियो है वो देख रखा है देन इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप जो आपके प्रपोजिशन है या फिर आपके एडवर्ब है वो किस जगह पे लगने चाहिए बेस्ड ऑन द यूसेज, राइट। सो नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे डैश होम, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, वट शुड बी द करेक्ट आंसर, माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे at home, ठीक है, stay at home। Whenever we are referring to anything, कोई भी चीज़ जो है किसी को point out कर रहे हैं या फिर something which is at a corner at a one particular position, उसके लिए हम क्या use करते हैं, at use करते हैं, right। On कहाँ पे आप use करोगे, जब किसी surface के ऊपर है, ठीक है। आप किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हाथ कोई एक सर्फेस है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ रखी है देन यू विल यूज़ ऑन। इन इनक्लोज्ड एरिया, कोई भी जगह जो क्या है बंद जगह है उसके लिए आप इन यूज़ करते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर, अब यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज एन, सेकेंड आर्टिकल है आपका अ, देन इट इज द, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज कि इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर, आर्टिकल में ये आप कब ए या एन या द का यूज़ करोगे कवर किया है। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि पहली जो भी वीडियोस है वो आप ज़रूर देखो, क्यों, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे कॉन्सेप्ट है या ऐसे रूल है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं वीडियो में। सो इफ़ यू विल गो थ्रू दैट दोज वीडियोज़, एक बार अगर आपने उसको एक बार देख भी लिया तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या बताया गया था, एनी थिंग विच हैज़ अ वोवल साउंड, ठीक है। यहाँ पे ए, अब देखो एक्सीलेंट राकेश सिंगुलर की बात की जा रही है, और सिंगुलर की अगर हम बात करें तो आपका आर्टिकल क्या लगता है, ए या एन लगता है। कैसे आप लगाओगे ए एन अगर उसमें वॉवल साउंड है, एक्सीलेंट है ना, एक्सीलेंट। अगर इन केस आप, आपको व्यंजन या स्वर भी अगर पता है तो एक्सीलेंट ए, राइट। अगर कोई भी आपका इंग्लिश वाला वर्ड जो है उसमें क्या आ रहा है, स्वर वाले से शुरू हो रहा है, स्वर से वो शुरू हो रहा है, तब आप एन लगाते हो सिंगुलर के लिए, एक्सीलेंट ए आ रहा है ना। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी राकेश इज एन एक्सीलेंट, ऑलराइट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
अच्छा, ये ना आपका जंबल सेंटेंसेस है। जंबल सेंटेंसेस अगर आप बहुत पहले के पेपर देखोगे, अराउंड 2006-07 से अगर आप पेपर देखना शुरू करते हो, तो आपके जंबल सेंटेंसेस काफ़ी आते थे। लेकिन अब क्या है, एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स के जंबल सेंटेंसेस आते थे, बट नाउ दे हैव रिड्यूस टू ईदर 1 और 2, राइट। लेकिन जंबल सेंटेंसेस ऐसा है कि एक बार आपको सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस पता चल गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको आंसर करना, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेव्ड। आई एम नॉट राइटिंग डाउन द होल क्वेश्चन कि आपको राइट, मैं सी आपके जंबल सेंटेंसेस दे रही हूँ और आपको ऑप्शन दे रही हूँ, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या है, यू हैव टू रीअरेंज दीज जंबल सेंटेंसेस और जंबल वर्ड्स और फ्रेजेस। वेव्ड, ये आपका ए पार्ट है, शी, देन इट इज ग्रीटेड एंड cheerfully us। अब आपको ये वाला सेंटेंस जो है वो जंबल फॉर्म में दे रखा है, एंड देन देर आर ऑप्शन दैट आर गिवन टू यू, बी सी डी एफ ई ए सी ए डी बी ई एफ लास्ट ऑप्शन आपका है बी ए डी सी एफ ई। अब देखो वर्ड के क्या दे रखे हैं, वेव्ड, शी, ग्रीटेड एंड चेयरफुली अस, राइट। यू वेव एट पीपल, है ना, आप क्या करते हो भाई, वेव करते हो, हाय बोलना है आपको, बाय बोलना है, यू वेव एट देम, राइट। सो शी वेव्ड एट अस होना चाहिए, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चेयरफुली, ठीक है। शी, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बी वेव्ड एंड ग्रीटेड, डी सी एंड ग्रीटेड, अच्छा बी ए डी है ना आपका, सी ए की ऑप्शन है जहां पे बी ए डी से शुरू हो रहा है, सी एफ ई, सी इज व्हाट, सी ग्रीटेड, एफ है आपका अस चेयरफुली, राइट। अगर ये भी होता शी ग्रीटेड एंड वेव्ड, नहीं, इट शुड बी शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चेयरफुली, ऑल राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इट शुड बी द डी वन, बी ए डी सी एफ ई। जंबल सेंटेंसेस के आपके बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। एक जो तरीका है, या तो कई बार आप जब सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दो वर्ड साथ में आने चाहिए, तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से देखते हो। कई बार आपको स्टार्टिंग के आपका कोई सेंटेंस है वो शुरू कैसे होगा वो आपको पता चल जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। सी, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि भाई सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, प्रोनाउन शी जो है उससे स्टार्ट होगा। अब आप लुक एट द ऑप्शन, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, फिर यही दो ऑप्शन बच गए। नाउ अब सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इट शुड बी वेव्ड, राइट, जबकि वहां पे क्या है, ग्रीटेड एंड देन इट इज डी, डी इज एंड, राइट। तो अगर आपको इधर सेंटेंस शुरू कैसे हो रहा है वो पता है, खत्म कैसे हो रहा है, या फिर कोई भी दो आपके जो वर्ड्स हैं या फ्रेज है एक साथ आनी चाहिए, उसके बेसिस पे भी आप जंबल सेंटेंसेस आराम से कर लेते हो, राइट। आई होप जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आप खुद आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं वो करके जरूर जाओ आप, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिलअप क्वेश्चन, इट वॉज अ स्टीप फ्रॉम द हिल टॉप। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, डिसेंड, डिसेंट, डिसेंट और लास्ट है आपका डिसेंट, ठीक है। अगर
जब आप वोकैबुलरी पढ़ोगे ना, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके प्रोनाउंस, जब आप उनको करोगे, व्हेन यू विल प्रोनाउंस दोस, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन वर्ड मीनिंग या फिर जो आपके क्वेश्चन है वो अलग होते हैं, राइट? मतलब जो आपका, नाउ लुक एट दिस, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट कोई वर्ड नहीं होता है, वो जस्ट आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये वाला वर्ड दे रखा है। अब आपको इधर या तो आपको करेक्ट जो आपका यहाँ पे फिलअप होना चाहिए, या तो आपको उसका मतलब पता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो आपको फिर चारों पता होने चाहिए। तो पहला है डिसेंट, ठीक है? कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, और यूजुअली जैसे आपका पार्लियामेंट का सेशन या कुछ चल रहा है तो उसमें ना ये वाला वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, डिसेंट। इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट, राइट? अगर मान लो यूजुअली से फॉर एग्जांपल अभी जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो आपकी मेजॉरिटी जिसने लोकसभा पे है, दैट इज़ योर बीजेपी, तो उसने कोई आपका बिल टेबल किया, तो आपके अलग अलग पार्टीज़ के अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, कुछ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। तो जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं ना, बेसिकली वो क्या है? डिसेंट, राइट? टू डिसएग्री विथ समवन, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ डिसेंट, DISSENT। डिसेंट, डिसेंट का मतलब है आप बोलते हो ना कि बहुत ही डिसेंट सा इंसान है, मतलब जिस तरीके से किसी को होना चाहिए, राइट? द सूटेबल, सो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिसेंट। अब मैथ्स में आप बहुत शुरू से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते आ रहे हो, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? डिसेंडिंग है ना, DESCENDING, तो ये वो वाला डिसेंड है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप। आप मान लो कि जैसे कि ये आपकी क्या है? हिल है, ठीक है? ये क्या है आपके? दिस इज अ हिल टॉप। आप जब नीचे जाओगे, राइट, व्हेन यू विल मूव डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है आपकी नीचे क्या, राइट? इट इज़ अ स्लैंटिंग, है ना? स्लैंटिंग है, नीचे नीचे ग्रेजुअली क्या होती है आपकी? कम होती जाती है ऑल्टीट्यूड, आपके कम होते जाते हैं जबकि आप ऊपर चढ़ते हो। स्टीप का मतलब क्या है कि बिल्कुल जैसे आप बोलते हैं ना खड़ी चढ़ाई थी, तो खड़ी चढ़ाई का मतलब क्या है? आपके ऑल्टीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि भाई नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल आपकी सीधी पहाड़ी थी, राइट? तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट इज़ योर सी पार्ट, ठीक है? इट शुड बी डिसेंट, ऑल राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ अगेन आपका रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इन अ जम्बल्ड फॉर्म, और वो आपको क्या करने हैं? आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है? स्नोफॉल, हैवी, द, एवरीथिंग, कवर्ड, ठीक है? ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? CBAED, स्नोफॉल हैवी, द, एवरीथिंग कवर्ड, स्नोफॉल हैवी, ई स्नोफॉल, अच्छा ABCD नहीं है ना मैंने, दिस इज ABCD और ई, अच्छा क्या होना चाहिए? स्नोफॉल हैवी, द, एवरीथिंग कवर्ड, दिस इज कवर्ड, COVERED, ठीक है? The heavy snow covered everything, है ना? ये तो छोटा सा सेंटेंस है, आई होप ये आप सबने बना लिया होगा। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? द, तो आपका सबसे पहले सी आना चाहिए। सिर्फ दो ही ऑप्शन है जिसमें आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो दो तो आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब आता है द हैवी स्नोफॉल, CBA, यहाँ पे CABA, CBA होना चाहिए, ठीक है? द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, ई और डी, ठीक है?
एक और तरीका ये भी कर सकते थे कि आपको पता है कि ई और डी आपका एक साथ आना चाहिए था, कवर्ड एवरीथिंग एक साथ आना चाहिए था, तो ई डी आप देख सकते थे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस इन दोनों में है, बट फिर भी आपको स्टार्टिंग का सेंटेंस पता था तो आपको सीक्वेंस पूरा ही बनाना पड़ता, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड ठीक है. अब यहां पे आपको जो करेक्ट नाउन होना चाहिए, नाउ ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, राइट? तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका मोस्ट सूटेबल कलेक्टिव नाउन होगा वो आपको फिल करना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रूप TROUPE, देन इट इज ट्रूप TRUPE, ट्रूप TRROP, और लास्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज TRUOPE. ठीक है, अब बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए. हाँ, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड. अब आपको ना दो इसमें जो वर्ड पता होने चाहिए, अच्छा ये और ये, इन दोनों की तो स्पेलिंग ही गलत है. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. स्पेशली आपके कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं उनके आपको स्पेलिंग एक वो आपको पता होनी चाहिए. कई कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपके डबल अल्फाबेट्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे कमिटी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, इस टाइप के कुछ वर्ड है जिसमें ना आपके एक अल्फाबेट्स जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, और कई बार आपके दो अल्फाबेट्स दो दो बार रिपीट हो जाते हैं. तो अगर ऐसे कुछ वर्ड ना आप हमेशा याद रखिएगा, IEEI वाले अगर जो होते हैं, इस टाइप के जो स्पेलिंग ना एक बार देख के जाना जरूर. अब ट्रूप और ट्रूप दोनों क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन है. जबकि आप TROUPE की बात करें, ये कौन सा ट्रूप होता है, आपने देखा होगा कि कुछ देर आर ग्रुप ऑफ एक्टर्स या फिर परफॉर्मर्स जो होते हैं वर्ल्ड टूर पे जा रहे होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रूप TROUPE. ये क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, दे आर ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स. जबकि ये वाला ट्रूप जो होता है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सोल्जर्स के लिए. ठीक है, जब आपके ट्रूप के अब यहाँ पे जो आप सो करेक्ट क्या होना चाहिए, द ट्रूप TROOP. ठीक है, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आए हैं. ठीक है, तो ये अगर आप लास्ट मिनट में ये अगर आप देख सकते हो, वेल एंड गुड. अपना कई बार आपके रीडिंग सेक्शन में पैराग्राफ आ जाते हैं, है ना, तो पैराग्राफ भी एक बार देख के ज़रूर जाना, राइट? कुछ कुछ ऐसे हैं जो आप स्कोर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी द गर्ल वॉन द फर्स्ट प्राइज. ऑप्शन आपको दे रखे हैं विच that who और last option आपका whom. Is she the girl dash won the first prize? ठीक है, Is she the girl which won the first prize? That won the first prize. अब देखो यहाँ पे क्या use किया है, she. तो अब जो आप ब्लैंक फिल करोगे ना, वो शी के अकॉर्डिंग फिल करोगे, राइट? शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस में. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इज शी द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज.
ठीक है, अगर ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता तब आप हुम यूज करते हो, ठीक है, दैट विच हुम ये सब आपको ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, राइट। तो जो भी आपकी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है एंड देर हार्डली 15-20 मिनट्स, तो एक बार वो देख लो तो ये होगा कि अगर आपके जो भी ग्रामर रूल्स हैं ना वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि आपका ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, ठीक है। आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर चुके हैं, आप एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे चेंज करोगे ये भी आपको बताया गया है, तो इन केस वो वाली वीडियो भी देख लेना। आपके ऑलमोस्ट जो भी आपके टॉपिक ज़रूरी है उन सब की वीडियोस बनी है, तो प्रीवियस वीडियो जो भी हैं वो सब एक बार देख के ज़रूर जाना, राइट। नाउ यू हैव टू टेल कि ये सेंटेंस कौन सा टाइप का है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, declarative sentence, then it is exclamatory sentence, last है आपका interrogative। कौन सा होगा ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे कोई भी सेंटेंस जो कमांड या रिक्वेस्ट बताते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो कमांड या फिर आपको क्या रिक्वेस्ट बता रहे हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ अनाउंस कर रहे हैं, वो ऐसे टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं आपके? डिक्लेरेटिव, राइट। जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो या फिर तो क्या होता है, मान लो कि आपका कोई स्पोर्ट्स डे था, सब कंपीट कर रहे थे, आपके 100 मीटर की एक रेस हुई, तब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ना, दे आर अनाउंसिंग द रिजल्ट, तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? वेर यू डिक्लेयर समथिंग, वेर यू अनाउंस समथिंग, वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन वाली बात बहुत बार आई थी, नाउन में आई थी, हर बहुत बार आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपके एक्सट्रीम इमोशन दिखाते हैं, विच बेसिकली शोज एन आउटक्राई, जॉय या फिर दुख, ठीक है, सैडनेस, ऐसे जो आपके सेंटेंस ये सारे इमोशन एक्सप्रेस करते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक आपका वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन भी होता है, राइट, लाइक दिस, है ना। इंटरोगेटिव टेंस में आपको बताया गया कि अलग अलग टाइप के आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें इंटरोगेटिव भी आया था। इंटरोगेट वेयर यू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, जब कोई क्वेरी की जाती है ऐसे सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव होते हैं। अब आपका सेंटेंस देखो, मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। यहाँ पे मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, इट इज़ अ प्लेन स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें कोई कमांड या रिक्वेस्ट नहीं की गई है। इस क्वेश्चन में मोहन को ये नहीं बोला गया कि भाई मुझे 10 रुपये का नोट दो, है ना। दे आर नॉट आस्किंग और दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग एनीथिंग, तो इम्पेरेटिव नहीं हो सकता, क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, इंटरोगेटिव भी नहीं हो सकता। कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों नहीं है? कोई बहुत इमोशन, कोई आपका इसमें आउटक्राई इस टाइप का कोई इमोशन नहीं है, तो एक ही बचा डिक्लेरेटिव। दे आर, अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं आपको आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज हमने कुछ कुछ क्वेश्चन किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है जिसमें आपके सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आप ज़रूर देखो। जो भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आप आंसर खुद से ज़रूर करो, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब फाइनली व्हेन यू विल फाइनली गो टू एन एग्जामिनेशन हॉल टू गिव योर सैनिक एग्जामिनेशन,
अगर आपने प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर की, तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो और उसी हिसाब से आपने अपना रिवीजन या अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करोगे। तो ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आप ज़रूर करके जाना, दिस विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और भी हम करेंगे इसके बाद, जो भी हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे इसमें सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाह रहे हो, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।